तो आपने सुना सीमा कह रही हैं मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हूं, अगर पाकिस्तान चली गई तो भारत मुझे मरने के लिए छोड़ देगा पाकिस्तान। ये सीमा ने कहा एटीएस से पूछताछ के बाद। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाहट पर उतर आया है आखिर वो क्या बताता है। फकीर शिवा कच्ची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं। फकीर साहब स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। शिवा कच्ची वो इलाका है जहां पर 3 लड़कियों के साथ पहले धर्म परिवर्तन हुआ और फिर उनका जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया। ये घटना बताती है कि सीमा एक है, ये क्योंकि सीमा की कहानी है और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो पाकिस्तान में बुरा हो रहा है। देखें बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक्या कल हुआ है। ये 3 बच्चियां हैं पंजाब की सादकाबाद रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की, परमेशा कुमारी, रोशनी और चांदनी, जो कि लीला राम की बच्चियां हैं। और मुझे उस पर बड़ा दुख और अफसोस है कि एक बाप है मजबूर, उसकी 3 ही बच्चियां अगर इस तरह से किसी जगह पहुंच जाएं, उनको वहां से उठाया गया और पीर जावेद अहमद कादरी घोट की डेर की पहुंचाया गया और उनका वहां मजहब तब्दील किया गया। ये एक अफसोसनाक और बहुत दुखदायक जो है ना वाक्या है और हमें पूरी सिंध की हिंदू कम्युनिटी को इस पे बड़ा अफसोस और दुख है कि इस तरह के वाक्यात नहीं होने चाहिए। उनको भी यहाँ की जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उन्हें हमेशा हमने उनसे मुतालबा किया है कि खुदारा आप इस मामलात पे कानून साजी करें इनको रोकने के लिए। ये बच्चियाँ हमारी हजारों की तादाद में जो बच्चियाँ 12-13-14 साल की बच्चियाँ जो जिनको कन्वर्ट किया जाता है, जिनका मजहब तब्दील करा के फिर उनकी शादियाँ करवा दी जाती हैं, इस तरह से हमें हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा हिंदू बिरादरी में खौफ वाला माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। गवर्नमेंट से इदारों से हमने हमेशा गुजारिश की है कि इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी और इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मामला नहीं रुकेंगे। आपको याद होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले हमने सिंध असेंबली के आगे भी एक एहतजाजी धरना। बिल्कुल शिवा कच्ची साहब, आप लगातार वहां पर जो हिंदू हैं उनकी आवाज उठाते रहते हैं और ये हमने देखा ही जो ताजा मामला सामने आया रोशनी चांदनी और परमेश का भी, इसको भी आप किस तरह से वहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम जो और मेहमान हैं उनका भी हम रुख करेंगे लेकिन सीधा रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव का जो कि सचिन मीणा का घर है। आप रजनीश रंजन हमारे साथ वहां से जुड़े। रजनीश क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि कल से जब से एटीएस इसके से पूछताछ के बाद सचिन और सीमा वापस आए हैं वहां पर कड़ा पहरा है, क्या हो रहा है, तस्वीरें आप दिखाइए वहां की। बिल्कुल देखिए उसी गली में हूँ जिस गली में सचिन मीणा का घर है और हर रोज़ की तरह यहाँ आज भी लोग खड़े हैं, हर रोज़ लोग यहाँ पर आते हैं, पुलिस लगातार लोगों को यहाँ से हटाती है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको सीधे गेट की तस्वीर दिखाऊंगा। इस गेट के भीतर जो घर है उसमें इस वक्त सीमा और सचिन दोनों मौजूद हैं और गेट को पूरी तरह से बंद रखा गया है। बताया जा रहा है कि भीतर 1-2 पुलिसकर्मी भी हैं और सीमा हैदर का एक वकील भी हैं जो इस वक्त घर के भीतर मौजूद है। जो जानकारी सामने आई है ये बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन और BP की वजह से सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ी है और इस वक्त उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है। सचिन की भी तबीयत ठीक नहीं है, ये जानकारी घर के भीतर से निकलकर सामने आई है। लगातार जो पूछताछ सीमा हैदर से हुई है ATS के द्वारा, उसके बाद अब एक बार आप कह सकते हैं कि सीमा हैदर जो है उस अपने तमाम सवालों के जवाब उसने दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब दिए जाने बाकी।